Hello everyone, today we will discuss some numericals on buffer solution and buffer capacity. तो assignment दिया था, उसके questions हम discuss करेंगे. First था आपका write the types of buffer with the example, ये आप कर सकते हैं. Second है the pH of buffer is 4.7447. On adding 0.1 mole of an alkali to 1 liter of it, the pH changes to 4.8419. Find its buffer capacity. कि आपको शुरू में पीएच दी थी, उसके बाद आपने इसके अंदर इतना बेस ऐड कर दिया है, फिर उसकी पीएच इतनी हो गई है, तो उसकी बफर कैपेसिटी फाइंड आउट कीजिए. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि पीएच 1 जो सपोज कर लिया हमें दी गई है, वो कितनी है, 4.7447. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड कितना है, 0.01 मोल है. उसके बाद उसकी पीएच कितनी हो गई, उसको हमने केस टू मान लिया कि पीएच सेकंड केस में कितनी हो गई है, 4.8419 हो गई है उसकी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बफर कैपेसिटी उसकी फाइंड आउट, बफर कैपेसिटी है उसको फाइंड आउट करना है क्या होगी. तो बफर कैपेसिटी क्या होती है कि हमें, हमने पढ़ा था इसको, आप बफर कैपेसिटी को बफर इंडेक्स से भी शो कर देते हैं कई बार. तो बफर कैपेसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड टू द 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन बट बाय में या डिवाइड में चेंज इन पीएच. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच. तो कितने आपने मोल ऐड किए, 0.01 मोल आपने यहां पे बेस के ऐड किए. तो पीएच में चेंज कितना आ रहा है, पीएच में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4.8419 माइनस के 4.7447 ये आएगा. तो जब इसको फाइंड आउट करते हैं तो 0.01 अपॉन क्या आएगा, 0.0972 आता है. और जब इसको फर्दर इसकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.102. तो इसकी बफर कैपेसिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की, इतनी इसकी बफर कैपेसिटी होगी. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.40 मोल ऑफ NH4OH एंड 0.05 मोल ऑफ NH4Cl टू मेक बफर सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर. कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन KB4NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस. कि आपको केबी दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है और आपको अमोनियम क्लोराइड दिया है, उसकी कंसेंट्रेशन दी है आपको, और आपने पीएच निकालनी है बफर सॉल्यूशन की. तो आप जो पहले दी गई हैं चीजें उनको हम लिखेंगे कि आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH ये क्या है, कितने दी गई है, 0.40 मोल है, मोल पर लीटर है. और आपकी कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी दी है आपको, 0.50 मोल पर लीटर दी है. और आपको केबी दिया है कितना, 1.80 × 10⁻⁵. आपने फाइंड आउट क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करनी है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं कंसंट्रेशन, ये देखते हैं ये क्या है, ये बेस दिया है आपको. तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितनी है, हमें पता है NH4OH कैसा है, वीक बेस है, तो कितनी है, 0.40 मोल पर लीटर. और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, ये किसका दिया है, कितनी दी है, 0.50 मोल पर लीटर. तो यहां देखते हैं हम कि किस टाइप का बफर है, ये आपका बेसिक टाइप का बफर है. क्योंकि बेसिक टाइप का बफर क्या होता है कि वीक बेस और आपका सेम वीक बेस के साथ स्ट्रोंग एसिड, जब साल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रोंग एसिड जब आपका बनता है तो कैसा होता है, बेसिक टाइप का बफर. तो ये हमारे पास आ गया है. अब पीएच फाइंड आउट करें, पीएच के लिए हमने क्या, कौन सी इक्वेशन ड्राइव की थी, हेंडरसन इक्वेशन. तो हम उसको अप्लाई करते हैं, हमारे पास, हमें पता है पीएच फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास है क्या, बेस दिए गए हैं. तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले
पीओएच फाइंड आउट करेंगे और उससे क्या कर लेंगे, पीएच को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। तो यहां पे पीओएच किसके बराबर होगा, पीएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस के लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो पी के बी कितना दिया है, पी के बी हमने पढ़ा था कि पी जब लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग जिसके साथ भी ये लगाया जाता है। तो यहां पे के बी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कितनी है, 0.5, 0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितनी है, 0.40, या इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी की वैल्यू कितनी है, 1.80 इंटू 10^-5 प्लस इसको रिमूव, तो ये क्या बचेगा, लॉग 5/4। तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 और ये क्या आएगा साथ में, नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-5। वैसे तो प्लस आता है लेकिन यहां पे माइनस है तो माइनस आ गया आपका, प्लस लॉग 5/4 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, सोल्व करते हैं तो 0.097 के अबाउट आ जाएगी। और जब इसको करते हैं नेगेटिव लॉग 1.8, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0.25 के बराबर होगी। और यहां से देखते हैं जब इसको सोल्व करेंगे तो ये -5/4 आ गया जाएगी, ये नेगेटिव था, नेगेटिव 5 लॉग बेस 10 प्लस 0.097, -0.25 माइनस माइनस प्लस के 5 और लॉग 10 कितना होता है 1 प्लस 0.097, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 माइनस के 0.25 तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 4.75 समथिंग आ जाएगा प्लस के 0.097। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, इसके बाद ये पीओएच की वैल्यू आ जाएगी। और पीएच, पीओएच से हम पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीएच किसके बराबर होगी, पीएच इज इक्वल टू पीओएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है, 14, तो पीएच किसके बराबर हो जाएगी, 14 माइनस के पीओएच। सपोज अगर एक्स वैल्यू हमारी आ गई है तो कितनी हो जाएगी, 14 माइनस के एक्स, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी समथिंग 9 आएगा, 9 के नियर अबाउट। लेकिन आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे, यहां से इस वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान बहुत था, लेकिन क्या करना है, इसको तरीका है इसका कि पहले आप लिख लेंगे जो जो चीजें आप दी गई, और उसके बाद इक्वेशंस को अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व आउट कर देंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में कि कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 0.1829 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 0.1666 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेकिंग वैल्यू ऑफ 1 लीटर। के ए कितना दिया गया, 1.8 × 10^-5 एट 298 केल्विन फॉर एसिटिक एसिड हमें दिया गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीएच। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दिया गया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दी गई हमें, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डायरेक्ट लिखे हम तो कितनी है, एसिड कौन सा हमारा, एसिटिक एसिड है, तो कितनी दी गई है, 0.16666 मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितनी दी गई है, 0.1829 मोल पर लीटर। तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, वीक एसिड है, और साथ में क्या है, साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो किस टाइप का बफर है, एसिडिक बफर है आपका। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आ गई है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ गई है, के ए हमें दिया गया है कितना, 1.8 × 10^-5। सारी चीजें दी गई है, हमें पीएच फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इन द सेम वे अप्लाइंग हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या होती है हेंडरसन इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू पी ए ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो क्या है, पी के कितना दिया है, पी के इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कितनी है 0.1829 अपॉन 0.1666 नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 × 10⁻⁵ प्लस लॉग ऑफ, जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 0.0435 इसकी वैल्यू आएगी। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम एक्सपेरिमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखें तो कितनी आएगी 4.7447 आएगी प्लस ये लॉग नहीं आएगा सॉरी, ये लॉग सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है तो 0.0435। और इसकी जो रिजल्टेंट पीएच आ जाएगी सॉल्यूशन की वो कितनी आएगी 4.7852। सॉरी 8 आएगा यहां पे क्योंकि 7 + 5 = 2, 1, 4, 3, 7 हो गए 8, तो 4.7882। तो यहां पे बस आपको अगर वे पता है कि कैसे हम फाइंड आउट करना है, बस जो चीजें दी गई हैं हम उसको लिखेंगे और हेंडरसन इक्वेशन याद करनी है, बस ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि अगर हमें हेंडरसन इक्वेशन याद है तो उसके बाद तो डायरेक्ट हमें वैल्यू उसको पुट करना है, और पुट करने के बाद आसानी से हम जो रिजल्टेंट है हमारा पीएच है या पीयूएच है, यहां से हम पीएच ने फाइंड आउट कर लिया हमने। अगर हमें पीयूएच फाइंड आउट करना होता, यहां पे तो नहीं दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपसे पीओएच पूछा जाता तो कैसे फाइंड आउट कर सकते थे कि पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14 होता है, और पीएच हमें दिया गया तो पीओएच कितना होगा 14 नेगेटिव ऑफ पीएच, तो ये वैल्यू को हम यहां रखते और उससे हम पीओएच है उसको भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस तरीके से हम जो न्यूमेरिकल्स है बफर सॉल्यूशन के या बफर कैपेसिटी के उनको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।